और यहाँ पे गांव का स्पेशल खाना बन रहा है। और ये मेरी बुआ की, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बुआ से छोटी है मतलब, और ये क्या बोलते हैं उपली पे जो लिट्टी बनता है बिहार में और यूपी में फेमस है लिट्टी, वो लिट्टी बना रही है और ये फटाफट से बना रही थी। हम लोग बोले वाह कितना अच्छा से बना ले रही है, हम लोगों का तो हाथ ही जल जाएगा। और इन्होंने इतनी अच्छे से बनाया था और ये कुछ फाइनल लुक घी लगाने के बाद यहाँ पे टमाटर की चटनी। डिनर करने के बाद सुबह हम लोग उठे, फ्रेश हुए, सुबह हम लोगों की ट्रेन थी क्योंकि उस दिन हमें नानी घर जाना था, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होकर वहाँ से गाड़ी रिजर्व करवा दिया था फूफा जी ने, और हम लोग गाड़ी पर बैठ के ट्रेन के रास्ते निकल चुके हैं। और ट्रेन में बैठने के बाद एक करीब एक दो घंटे बीत जाने के बाद बेटे को भूख लगी, तो वहाँ पर चना फ्राई मिल रहा था तो उसे चना फ्राई खाना था, तो ऑलमोस्ट सभी ने चना फ्राई खाया। दी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा था क्योंकि कंटिन्यू ट्रैवल करते हुए वो आ रही थी, तो वो रेस्ट कर रही थी और ये भाई बहुत ही मज़े में यहाँ पर अपना चना इन्जॉय कर रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने ये शॉट ले लिया ताकि यादें रह जाए मुझे ना। ट्रेन से हम लोग उतर चुके थे, दोपहर हो चुकी थी और जोरों की भूख लगी थी क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, तो समझिए कि हम लोग लंच ही कर रहे हैं। हम लोगों ने छोले भटूरे खाए, बहुत ज़बरदस्त भूख लगी थी और छोले भटूरे खा के मन खुश हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा छोला भटूरा मिलता है, तो हम लोगों ने वो इन्जॉय किया। और तो उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी पकड़े और निकले वहाँ से नानी घर के लिए, वहाँ से दो घंटे की रास्ता है ट्रेन से करने के बाद। और बस ये अच्छा सा सफ़र हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, खूब अच्छे हरियाली, पेड़ पौधे, गाँव के रास्ते, मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, अब बेहतर फील हो रहा है। इतनी ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग, हम लोगों ने 3 दिन से नींद नहीं ली थी क्योंकि कहीं गए थे हम लोग, आपको पता ही है बुआ घर गए थे, वहाँ पे इतना फन हो रहा था, सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, रात को 2-2 बजे सोते थे और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ जाते थे। तो नानी घर आने के बाद हम लोग आए और हम लोगों ने लंच किया और हम लोग सो गए 2 घंटे के नैप लेने के बाद, हम लोग अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। और ये देखिए नानी के घर कौन है, ये न्यू मेहमान, ये देखिए, और बाकी सब गाय यहाँ भी है। तो अभी हम लोग फ्रेश फील कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं बुआ के घर को, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती की थी, बट अभी नानी के घर आए हुए हैं हम लोग तो इसलिए मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया क्योंकि टायर्ड हो जाने के बाद थोड़ा फीवर जैसा ही फील हो रहा था, कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे थे हम लोग, बट अभी थोड़ा रिलैक्स हम लोग फील कर रहे हैं। अब जा रहे हम लोग शाम की चाय पीने, तो मैंने सोचा कि अभी तो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाए थोड़ा बहुत कि हाँ हम लोग आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है, हम लोगों की शाम हो चुकी है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। बाकी जो भी डिटेल्स है, यहाँ पे भी हम लोग 2 दिन हैं तो धीरे धीरे आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और चलिए हम लोग चलते हैं शाम की चाय पीने। और गांव में आने के बाद दी अपने पुराने दिन को ताजा करते हुए साइकिल फिर से चला रही है। मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, दीप तो रेडी भी हो चुकी है, मैंने सिर्फ अभी बाल झड़ा है। हम लोग जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने, गांव की जो मंदिर है वहां पे, तो पहले मैं रेडी हो लेती हूँ, दुर्गा जी का दिन चल रहा है तो हम लोग जा रहे हैं दुर्गा मंदिर वहां पूजा करने के लिए, तो पहले मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है गाँव में, तो घर का काम करने के बाद हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, मामी लोग काम कर रही थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया है, बट कोई नहीं, चलते हैं, पहले रेडी होते हैं उसके बाद निकलते हैं। ये मेरी नानी है, क्यूटी नानी मेरी, हम लोग सब जा रहे हैं, नानी वैसे बाइक से जाएंगी बट हम लोगों के साथ उनको जाने का बहुत ज्यादा मन था, तो हम लोगों ने बोला चलो चलिए थोड़ी देर आगे चलते हैं, मामी लोग पीछे से आ रही हैं, तो हम लोग इनको थोड़ी देर आगे छोड़ेंगे उसके बाद बाइक पे बैठेंगे। बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है,
3 घंटे लग गए हम लोगों को पूजा करने में। ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। और घर की गाड़ियाँ भी इधर उधर सब निकली है, भाई लोग मामा लोग सब कहीं ना कहीं निकले हुए हैं, तो घर पे गाड़ी भी नहीं है, इसलिए हम लोग को वॉक करते हुए जाना पड़ेगा। थोड़ा डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। आए तो हम लोग गाड़ी से ही आ गए थे, भाई ने ला के छोड़ दिया था, बट अभी हम लोग को वॉक करते जाना पड़ेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा हेडेक है। बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। तो चलिए बात करते ही हम लोग निकलते हैं, सब साथ में है तो आई थिंक रास्ता निकल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे घर पे। हो चुकी है दोपहर में, आने के बाद हम लोग सो चुके थे, सो के उठा हम लोगों ने, अभी फ्रेश हुए हैं और आज यहाँ पे काली माँ का धार भी चढ़ने वाला है, पूजा होने वाली है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बगल में एक नानी है उनसे भी मुलाकात करने के लिए। मैंने सोचा अपडेट दे देती हूँ, तो अभी हम लोग उनके घर जा रहे हैं। यहाँ पे लाइन नहीं आया है पूरा दिन, तो मोबाइल चार्ज भी नहीं है, तो मैं मोबाइल को यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। तो होपफुली मैं कुछ भी अब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी अभी, तो देखती हूँ मैं कब रिकॉर्ड कर पाती हूँ, लाइन का वादा है। तो बने रहिए, गाँव में तो यही है, ऐसे रहना पड़ता है। देखिए नानी चिल्ला रहे हैं, तो चलिए चलते हैं।